टाइनी फुटप्रिंट्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नए क्राफ्ट के साथ आई हूँ जो कि शिवजी स्पेशल है। शिवरात्रि तो आने वाली है ना, तो आप कुछ शिवजी से रिलेटेड क्राफ्ट भी होना चाहिए। इस क्राफ्ट को बनाने में बहुत ही कम सामानों का यूज हुआ है और मोस्टली घर पे रखे हुए सामानों का ही यूज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्राफ्ट को बनाने में मैंने इस एक डब्बे का यूज किया है और 3 लिड का यूज किया है। बस इतने से सामान में ये पूरा क्राफ्ट बन जाएगा। डब्बे का बेस थोड़ा छोटा था तो उसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए मैंने नीचे लिड लगा दी है, जिससे कि इसको सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल जाए और ये बिल्कुल ना हिले। अब जो ये दूसरी लिड है, इसके साइज का मैं कार्डबोर्ड कट करूंगी कटर की हेल्प से। कटर से बहुत ही इजीली से ये कट हो जाता है। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप नाइफ से या फिर सीजर्स की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं। देखिए, ये कट हो गया। अब मैं सीजर की हेल्प से इसके किनारे को क्लीन करूंगी। जो छोटे मोटे टुकड़े लगे रह गए थे कार्डबोर्ड के, उसे कट करूंगी। नाउ इसे ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी इस लिड पे, जिससे कि ये लिड थोड़ी सी मजबूत हो जाए। अब इसको उल्टा करके हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे। अब इसे ऐसी तो छोड़ नहीं देंगे, इस पे कलर करेंगे। मेरे पास ब्लू कलर के जितने भी शेड थे मैंने सबका यूज किया है, इसको बहुत ही सुंदर सा लुक देने के। अच्छा चलिए, जब तक मैं कलर कर रही हूँ तब तक आप लोग मेरी एक हेल्प कर दीजिए जल्दी से। आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने फैमिली में, रिलेटिव में, जिसको भी आप ये वीडियोस दिखाना चाहते हो। आपके ज़रा से हेल्प से मेरे वीडियो, मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी। तो बैठे क्यों हैं अभी आप लोग, चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि मैं वो आपके लिए बनाऊं तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो आपके लिए बना के दिखाऊं। आफ्टर कलरिंग हम कलर को थोड़ा ड्राई होने देंगे। उसके बाद मैंने एक पिन की हेल्प से इसमें चारों तरफ होल किया है। फिर उस होल को थोड़ा और बड़ा करने के लिए मैंने पेचकस का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप थोड़े बड़े बड़े होल कर लें। चारों तरफ से होल होना चाहिए, आगे से पीछे तक की पूरी लिड पे। ना पीछे की लिड प्लेन थी तो मैंने उसे कलर से कवर किया है पूरा। जैसे मैंने आगे कलर किया वैसे ही मैंने पीछे भी कलर किया। अब पारी आई इसको सजाने की। अब भगवान का सामान है तो वो तो सजाया जाएगा ही जाएगा ना, उसको सुंदर सा सजावट करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए, अब इसके किनारे को मैंने लेस से कवर किया है ऊपर साइड पे, एकदम नीटली राउंड सर्कल से करके मैंने ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट कर दिया। ना अब साइड में भी थोड़ा सा लिड जो दिख रहा है उस पार्ट को भी मैंने लेस से कवर कर दिया है। लेस लगाने की वजह से देखिएगा ये कितना सुंदर लगने लगेगा। देखिए कितना सुंदर लगने लगा ना। चलिए अब नीचे के पार्ट की बारी है सजाने की। तो जो नीचे लिड लगाया था उसमें मैंने छोटी छोटी ग्रासेस लगाई हैं। पहले मैंने ग्रीन कलर की ग्रास लगाई, फिर ये रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं उसको भी मैंने स्टिक किया है। आप जिस चीज़ से चाहें उसको नीचे का पार्ट सजा सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पे भी लेस लगा सकते हैं। देखिए जो रेड वाला था ना फ्लावर, ये एक साथ 3-3 लगे हुए थे तो मैंने उसे कट करके अलग कर लिया। तो अब मैं सिंगल सिंगल थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाकी चीज भी लगाऊंगी। बाकी ये जो दूसरा वाला जो मैं लगा रही हूँ इसी प्रोसेस में लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पे।
इसके नीचे की जो डंडी थी वो थोड़ी लंबी थी और नीचे वायर लगा होता है इसमें, तो मैंने उसको उसी में रोल करके लगा दिया जिससे कि ये थोड़ा और मजबूत हो जाए। देखिए कितना सुंदर लगने लगा ना चारों तरफ से। अब नीचे ये लिड देख रही थी मुझे, तो मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी ऊपर लेस यूज करी थी ना वही लगा दी है। देखिएगा कितना सुंदर लगने लगा इसके बाद। देखिए अभी से ही इतना सुंदर लगने लगा। अब मैंने जो दूसरी एक और लीड थी ना, तीन लीड ली थी मैंने, ये तीसरी वाली लीड है। इसमें बीच का पार्ट हटाना था, तो मैंने मेरे पास ये एक पीस रखा हुआ था, इससे मैंने बीच में सर्कल कर लिया। आप चाहे तो कोई कटोरी रख सकते हैं जिसकी हेल्प से शेप बना लें और फिर उसे कट कर दें। मम्मा मेरा बाउल कहाँ गया जिसमें मैं सामान रखती थी? अरे ये कहाँ से आ गई? अरे मुझे नहीं पता कहाँ गया, देखो तुम ही ढूंढो। अच्छा चलिए ठीक है, मैं ढूंढती हूँ फिर। फ्रेंड्स इसको बताइएगा नहीं, ये बाउल पता है इसी का था, ये अपना सामान रखती थी, मैं उठा लाई इसको बनाने के लिए। प्लीज आप लोग मेरे बहुत अच्छे से फ्रेंड है ना, आप उनको बताइएगा नहीं बिल्कुल भी। मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था बनाने के लिए, तो मैं इसी का बाउल उठा लाई। चलिए अब हम इस लिड को सजाते हैं। इस लिड को सजाने में मैंने वो जो गेंदे के लुक वाले फूल नहीं आते हैं लटकन वाले, उसका यूज किया। आप चाहे तो पॉम्पॉम बॉल भी लगा सकते हैं और भी कोई तरीके के फूल लगा सकते हैं। फिर मैंने ये लाइट का यूज किया है इसमें। इस फेरी लाइट को चारों तरफ राउंड राउंड करके लपेट लेंगे। अब देखिए ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है, इसमें सिर्फ पानी मिला करके इसको पतला पतला सा घोल बना लेंगे और सारी जो गाठे होती है ना वो अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि वो गाठे खत्म हो जाए। और अब मैंने इसको जो वो बाउल बनाया था उसमें बीच में डाल दिया है और फिर ये दिया डाला है। इस पेस्ट को मैंने इसलिए डाला है कि ये थोड़ा सा वेटेड हो जाए। और दिए पे अभी देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अब मैंने दोनों लिड को लिया है और जिसमें फ्लावर लगाया था उसको हम जो दूसरी वाली लिड है जिसमें कलर किया है उसमें इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये लिड पीछे की तरफ जाए ना, तो फिलहाल तो मैंने ये ग्लास रख के इसको सपोर्ट दिया था ग्लू लगाने के बाद। फिर ये आइसक्रीम स्टिक लिया, उसे कट कर करके पीछे उसको सपोर्ट दिया है, तो ये अच्छे से अपनी ही जगह पे पेस्ट होगी आराम से। अब इस आइसक्रीम स्टिक को भी छुपाने के लिए मैंने सेम फ्लावर का यूज किया है, ग्लू की हेल्प से उसे पेस्ट कर दिया, तो वो पूरी तरीके से छुप भी गई और ये लिड अपनी जगह पे आराम से प्लेस भी हो गया। देखिए वो हिल भी नहीं रहा अपनी जगह। अब मैंने बोला था दिए का मैं क्या करूँगी, देखिए इस दिए पे मैंने धूप पत्ती रखी है और देखिए मैजिक कितना सुंदर लग रहा है ना। जब इस पे शिव जी को रखा तो इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में बैठे हैं बादलों के बीच। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मम्मा क्या बना रही हैं? अरे ये तो मेरा वही वाला बाउल है ना जिसमें मैं सामान रखती थी। तुम यहाँ क्या करने आई? अरे मुझे मिल नहीं रहा था ना कुछ, तो मैं वही ले आई, सॉरी। कोई नहीं, अब इतना सुंदर बनाया है तो माफ कर दिया। थैंक यू, वेलकम। चलो अब सब लोग जल्दी से बोलो हर हर महादेव। और आप लोग को जल्दी से मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय बाय।